जो यहां लाड़नों के मुकेश विधायक है, जो गैंग से उसका संबंध है, जिस गैंग के कुछ सदस्यों को लेके इन्होंने खुद पे धमकियों के झूठे मुकदमे करवाए, धमकी दी गई मेरे नाम से कि भाई 2 करोड़ रुपए दे देना, और कई लोगों को मेरे नाम से धमकियां दी ताकि इनकी मंशा ये हो कि भाई मंजीत को वापस झूठा मुकदमे में अंदर जेल में भेज दें और हम हमारे मंसूबे में कामयाब हो जाएं, क्योंकि इनकी जो बौखलाहट है वो ये साबित करती है कि इन्होंने हार स्वीकार कर ली। लड़ाई का देखते हैं, आपस में विवाद ही रहा है, काम कुछ हुआ नहीं है। हमारे बस स्टैंड के लिए 4 साल पहले घोषणा की थी कि बस स्टैंड 1,40,00,000 में बाहर बनाएंगे, भव्य बनाएंगे, यहाँ बन रहा था वो बनाया नहीं। रो से लूट गए चमन तो फिर आबाद हुए देखे हैं, माली जिसको लूट रहा है वो गुलशन भी देख। जो समस्या है लाइट की समस्या है, अभी जितना इस 5 साल के कार्यालय कितना घोटाला हुआ सबको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, पूरी जनता को मालूम है, लेकिन कोई जनता नहीं बोलती है, ठीक है ना। अभी पाइपलाइन का 14 करोड़ रुपया कुछ पास हुआ, अभी कोई लाडनों के अंदर कोई अभी तक कोई पाइपलाइन। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं।